हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडी आई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान रोडवेज बस भर्ती आपके लिए यहां पर बताने वाले 5,700 पदों पर होनी है भर्ती, और 6 सालों से विद्यार्थियों को इंतजार है इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती अभी तक निकली नहीं है। तो ये भर्ती आखिरकार कब निकलेगी, आज के लिए यह बड़ी न्यूज आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बड़ी न्यूज है आज ही के न्यूज पेपर की है, दैनिक भास्कर की, सिटी रिपोर्टर जयपुर से खबर है। यहाँ पर आप जो देख पाएंगे, 6 साल से रिक्त है रोडवेज के 5,740 पद। तो चलिए आपको न्यूज दिखा देते हैं, पूरी जानकारी क्या क्या है इसमें, अधिकारी और कार्मिक के लगभग कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने खाली हैं, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे कितने भरे हुए हैं। अगर आपको भी किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रश्न में डाउट है तो 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और उसके साथ आपको ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से 12 तक लेकर आप जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए। तो चलिए, ये आप यहाँ पर जानकारी देख पा रहे होंगे, आपके लिए आज की बड़ी अपडेट है। 6 वर्षों से पहले अधिकारी और कार्मिक थे लगभग 20,000, अब रह गए हैं सिर्फ 14,000। यहाँ पर है रोडवेज में 6 साल से नहीं हुई भर्ती, अफसर यहाँ पर देखिए, अफसर से लेकर कर्मचारी तक 5,740 पद है रिक्त। चलिए जानकारी जान लेते हैं यहाँ पर सारी। सिटी रिपोर्टर जयपुर से खबर है, राजस्थान रोडवेज में एक तरफ जहां बसों की संख्या घटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बसों को चलाने वाले स्टाफ की संख्या भी कमी होती जा रही है। बड़ी खबर, प्रदेश में परिवहन साधनों के लिए जनता की लाइफ लाइन की रही रोडवेज अब सिमटती जा रही है। चलिए यहाँ पर है, हजारों पद रिक्त होने से बसों का संचालन कम हो रहा है, राज्य सरकार यदि इच्छा शक्ति दिखाए तो प्रदेश के करीब 5,000 युवाओं को राजस्थान रोडवेज में रोजगार दिया जा सकता है। रोडवेज गत 6 साल से करीब 6,000 कार्मिक रिटायर्ड हो चुके हैं। 6 वर्ष पहले रोडवेज में कर्मचारी और अधिकारियों के कुल स्टाफ की संख्या लगभग 20,000 थी, वहीं अब केवल 14,000 कार्मिक ही बचे हैं। बड़ी संख्या में चालक, परिचालक व अन्य स्टाफ के रिटायर्ड होने से बसों के संचालन पर असर पड़ रहा है। रोडवेज में अंतिम भर्ती वर्ष 2013 में की गई थी, अंतिम जो ये भर्ती है इससे पहले कब की गई थी, 2013 में की गई थी, इसके बाद कोई नई भर्ती रोडवेज में नहीं की जा सकी, इस कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। विभाग के केंडर स्टाफ के हिसाब से बात करें तो स्वीकृत पदों में से 5,740 पद रिक्त चल रहे हैं। रोडवेज प्रशासन इसमें 4,960 पदों पर भर्ती करना चाह रहा है। इसे लेकर पिछले 3 साल से कई बार राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से भर्ती नहीं हो रही है। बड़ी खबर, अगली खबर है, यहाँ पर 6 साल से रिक्त पद हो गए हैं रोडवेज में 5,740। रोडवेज में कंडक्टर के 8,893 पद स्वीकृत है, इनमें से 2,682 पद रिक्त हैं। आर्टिजन ग्रेड तृतीय के यहाँ पर 1,624 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 879 पद रिक्त हैं। आर्टिजन ग्रेड द्वितीय के यहाँ पर 1,590 पद में से 1,029 पद रिक्त है। कनिष्ठ अभियंता एक के 54 पद स्वीकृत, 49 पद है रिक्त। कनिष्ठ अभियंता के 207 पद स्वीकृत, 131 पद रिक्त। सहायक अभियंता के 5 पद स्वीकृत, उनमें से 4 पद रिक्त। कनिष्ठ अभियंता निर्माण के 6 पद स्वीकृत, उनमें से 4 पद रिक्त है। इस प्रकार आप आधे से भी ज्यादा पद रिक्त मिल रहे हैं यहाँ पर। कनिष्ठ विधि अधिकारी के 45 स्वीकृत, उनमें से देखिए 36 पद रिक्त। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो विभाग है उनमें पद खाली है। स्टेनोग्राफर के 19 स्वीकृत, उनमें से 18 पद रिक्त, यानी कि एक ही पद यहाँ पर है स्वीकृत, उन भरा हुआ और 18 पद रिक्त है। कनिष्ठ लेखाकार के यहाँ पर देखिए 230 स्वीकृत पदों में से 202 पद रिक्त हैं। संगणक के यहाँ पर और भी देखिए आप, संगणक भर्ती के यहाँ पर बड़ी खबर, भर्ती करने से सरकार ने किया मना। तो भर्ती करने से सरकार ने किया मना, रोडवेज प्रशासन ने पदों को यहाँ पर देखिए 5,740 पदों के विपरीत 4,960 पदों की भर्ती के लिए अनुमति मांगी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन रिक्त पदों के अलावा चालकों की भी बड़ी करीब 2,500 पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन बसों का संचालन प्रभाव नहीं हो इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने चालक अनुबंध पर लगाए हुए हैं। दरअसल राज्य सरकार द्वारा रोडवेज भर्ती की अनुमति इस वजह से नहीं दी जा रही है क्योंकि रोडवेज की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। नई भर्ती किए जाने पर रोडवेज पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा।
वहीं देखिए 148 पद स्वीकृत पदों में से 64 पद रिक्त पद हैं। क्लर्क द्वितीय के 101,081 पदों में से 682 पद रिक्त चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये भर्ती का पूरा मुआवजा समझ में आ गया है आपको। देखिए यहाँ पर इतने पद स्वीकृत खाली होने के बावजूद भी यहाँ पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो रोडवेज भर्ती है उन कर्मचारी है जो ये रोडवेज का जो स्टाफ है उनके पास इतना पेमेंट भी नहीं है कि जो विद्यार्थी है उनको जब जॉब लग जाएंगे तो उनको पैसे दे सके। तो इसीलिए यह भर्ती नहीं की जा रही है। जब गवर्नमेंट के पास बस के जो यहाँ पर संचालन वगैरह का यहाँ पर मामला है, इनका यहाँ पर जो भाड़ा पड़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, इनके कर्जा माते हो चुका है, तो ये जब चुक जाएंगे उसके बाद ये भर्ती आ सकती है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को यानी कि सपोर्ट करोगे तो आपकी ये भर्ती जल्दी भी आ सकती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके। राजस्थान के जो 6,000 युवा है, युवाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि रोजगार के लिए युवा दर दर इधर भटकते हैं इधर भटकते हैं। इस जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, इसके बदले फॉर्म भरते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें करते हैं, तो उनका वो पैसा निकल सके और उनको ठिकाना मिल सके कि हमें जॉब करने के लिए अब जगह मिल चुकी है। तो कौन कौन विद्यार्थी इसका सपोर्ट करना आता है, तो इस वीडियो को जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास उनमें से आधे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो अपने कोई मित्र है उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि यह बात आगे से आगे पहुंचती हमारे जो अशोक गहलोत जी है मुख्यमंत्री उन तक, सचिन पायलट जी तक और भी जो मंत्रीगण हैं उन तक यह बात पहुंच सके कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कराया जाए। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं हमारे द्वारा हर पल पल की जानकारी आपको हमेशा और सबसे पहले मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।